अब मिलते हैं आज की तीसरी टीम से, जो अपने कस्टमर्स को कुछ हटके पिलाते हैं और उसी से कमाते हैं। लेट्स सी ये हमारे जजेस को कितना इम्प्रेस कर पाते हैं। सूफी और उनकी टीम बनाती है एक ऐसा पाउडर जो टेस्ट और दिखने में हूबहू कॉफी की तरह है, पर इसका ड्रिंक है कैफीन फ्री। ये पाउडर बनता है डेट्स यानी खजूर के बीजों से। दरअसल टीम लीडर सूफी के दादाजी कुछ भी वेस्ट नहीं करते थे, इसीलिए डेट्स खाने के बाद बीज का भी पाउडर बनाते थे, जिसे दूध के साथ पिया जाता है और उसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। इसीलिए जब दिल्ली गवर्नमेंट का बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम हुआ लॉन्च, तो सूफी ने सोचा कि क्यों ना अपने इस फैमिली रेसिपी को ही अपना बिजनेस बना लिया जाए। सूफी ने अपने फ्रेंड्स जोड़कर मिस्टिक डेट्स नाम की एक टीम बनाई, जो कहीं से ड्राई डेट्स का इंतजाम करती और फिर उसके सीड से पाउडर बनाती है। पर धीरे धीरे इन्हें रियलाइज हुआ, डेट्स लाना अपने आप में एक महंगा प्रोसेस है, इसीलिए मिस्टिक डेट्स ने बात की उन कंपनी से जो डेट्स को यूज करके प्रोटीन पाउडर बनाती है। अब वो कंपनी से कम दामों में डेट्स के सीड्स लेते हैं, फिर उन्हें अच्छे से पीसा जाता है। मिस्टिक डेट्स ने अपने प्रोडक्ट्स का लैब टेस्ट भी करवाया है, जिसमें ये साबित हुआ है कि इस पाउडर में कैफीन नहीं है। और इस टीम की मेहनत रंग भी ला रही है, क्योंकि ड्रिंक लोगों को पसंद आ रही है। तभी तो मिस्टिक डेट्स अब तक करीब 100 किलो पाउडर बेच चुका है। पर आज ये देखना होगा मिस्टिक डेट्स के बिजनेस का स्वैग इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा या नहीं। लेट्स सी। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे स्टार्टअप का नाम मिस्टिक डेट्स है और ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। मेरा नाम सूफी है और मैं इस टीम का लीडर हूँ। मेरा नाम वर्षा है और मेरा काम सेलिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देखना है। मेरा नाम यश है, मेरा काम सेल्स मार्केट एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को देखना है। मेरा नाम हिमांशु है, मैं इस टीम का रॉ मटेरियल प्रोवेंसर हूँ। आपको कितने पैसे मिले सरकार से? 10,000। यस सर। क्या है ये आइडिया मिस्टिक डेट्स, क्या है थोड़ा सा और बताओ अपने बारे में। सर ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है, ये कॉफी जैसा स्मेल टेस्ट और ऑर्डर इसका बिल्कुल कॉफी की तरह ही है और इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी केमिकल और कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। शुगर भी है? शुगर नहीं है, शुगर बिल्कुल बिलो लेवल पे है। ओ स्मेल्स लाइक कॉफी, वाओ। कॉफी कॉफी जैसी है। टेस्ट लाइक कॉफी आल्सो इज इट? यस सर। दिस इज नॉट कॉफी? नो सर। नो सर। गुड। वाओ। पक्का? सर आप लैब रिपोर्ट भी देख सकते हैं। हां मैं लैब रिपोर्ट आपकी देख रहा था, इसमें लिखा है कैफीन फ्री। पी के देखें हम? यस मैम। स्मेल्स लाइक कॉफी? यस। वाओ। सो मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है। यस सर। यस सर। एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। थैंक यू सर। तो आईडिया कहां से आया? मेरे ग्रैंडफादर जो थे, चीजें जो है वेस्ट करना पसंद नहीं था, तो हमारे घर में जब छुआरे या खजूर आते थे तो उनके वो बीज जो बच जाते थे, तो उनसे ये कॉफ़ी पाउडर, ये जो हमारा मिस्टिक पाउडर है, वो बनाते थे और वो पीते आ रहे हैं बहुत दिनों से। उसको आपने, जब सरकार ने आपको बोला कि अपना बिजनेस आइडिया लाइए, तो आपके दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस आइडिया में करना अमेजिंग। वाओ, वेरी वंडरफुल, आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो मार्केट में पहले से मिलता है क्या ये पाउडर? नो सर। कॉफी पीने वालों को आपने एक ऑल्टरनेट दे दिया है? यस सर। कि कैफीन मत पीजिए? यस यस सर। हेल्दी रहिए। एक चीज बताइए, 11th क्लास में बच्चे तो जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, आप मिस्टिक डेट बनवा रहे हो? सर हम बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं। आपके यहाँ बिजनेस होता है? सर नहीं, घर में तो नहीं होता। आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर ड्राइवर हैं एक्चुअली। वेरी गुड। आई थिंक बिजनेस ब्लास्टर EMC प्रोग्राम शुरू करने का हमारा मकसद तो पूरा हो रहा है, लेकिन एक बड़ा मकसद है फिर। यस सर। आप सब लोगों के दम पर एक बहुत बड़ा सपना देखा है हम लोगों ने। आज दिल्ली के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 3,54,000 रुपए है। yes, हम लोगों ने सपना देखा है कि आज़ादी की 100वीं सालगिरह के भारत पर देश की राजधानी में पर कैपिटा इनकम सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। कई लोग मजाक भी बनाते हैं इस चीज़ का कि ऐसे कैसे हो सकता है। yes, पर जैसे आप नया कर रहे हो वैसे हम भी नया करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जैसे बच्चों के दम पर ये सच हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बनाया कैसे आपने इसको? सबसे पहले हमने जो खजूर या छुआरे हैं उनके बीज लिए, उनको वॉश किया, उनकी फिनिशिंग करी, फिर उनको रोस्ट करके उनका पाउडर कर लिया और फिर हमारी कॉफ़ी पाउडर तैयार है।
1 केजी की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी? 1 केजी की प्रोडक्शन कॉस्ट 1400 रुपीस अभी है, और लेबलिंग और पैकिंग का जो है वो हमने अलग से जो डब्बे लिए हैं मार्केट से उनका हमने उसी में ऐड कर रखा है, 1400 में इंक्लूडेड है वो। और जब हमें और इन्वेस्टमेंट मिलेगी और हमारी मशीनरी लग जाएंगी तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी 300 रुपीस ओनली। और अभी अभी कितने में बेच रहे हो इसको? अभी हम 2100 में बेच रहे हैं, तब हम इसे 1000 में बेच पाएंगे, 1000 में 1 केजी। कस्टमर कैसे लाओगे उसके लिए उसका प्लान बहुत आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा। 3 कैटेगरीज हैं, एक रेफरल मार्केटिंग, एक रिटेलर और एक D2C डायरेक्ट टू कस्टमर। कोई मार्केट ऑनलाइन सेल करना है या कोई फिजिकल स्टोर से आपने बात की है जो आपका प्रोडक्ट्स रखेंगे, आपने क्या प्लान किया है? कुछ जगहों पे कॉफ़ी मना की जाती है कि कॉफ़ी में एडिक्शन है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं, जैसे स्कॉन टेम्पल हो गया, वहाँ पे हमने बात की थी तो उन लोगों ने कहा है कि आप हमें अपना सैंपल दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कितना मास प्रोडक्शन के लिए दे सकते हैं। तो अभी तक हम कितना बेचे हैं इसको? अभी तक हमने 2 केजी सेल किया है। ये जो बीज हैं कहाँ से आते हैं, आप लोग कहाँ से सोर्स कर रहे हैं? सो हम स्टार्टिंग में डेट्स लेते थे, लेने के बाद उनमें से सीड्स को अलग करते थे। फिर मैंने अपने कॉन्टैक्ट में कई सारे रिटेलर्स पूछा कि आपके जान पहचान में कोई ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीड्स देते हों। थोड़ा टाइम लगा लेकिन उन्होंने बताया मिल जाएंगे 80 रुपीज़ केजी, और 50 केजी का पैकेट देते हैं। तो बीज का फ्लेवर सस्ते डेट्स का, एक्सपेंसिव डेट्स का, सबका फ्लेवर सेम आता है? आपने टेस्ट किया सारा? यस मैम, 9 तरह के डेट्स होते हैं और उनके 9 तरीकों के बीज हमने टेस्ट कर रखे हैं। तो अगले 6 महीनों के लिए आप लोग, व्हाट इज योर आस्क फाइनेंशियली, आपका क्या आस्क? 1,05,000। वी वॉन्ट 55,000 फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 50,000 वी विल बाय मशीनरी, ऑल द रोस्टिंग मशीन एंड ग्राइंडिंग मशीन एंड वेइंग मशीन, एंड द नेक्स्ट 5,000 वी विल यूज इट फॉर ट्रेडमार्क, एंड देन रिमेनिंग 50,000 अगर हमारी 0 सेल हुई उस 1 मंथ में तब भी हम उस 50,000 में सर्वाइव कर सकते हैं, और हमारी सेल होगी तो हम आगे जितने भी आने वाले महीने हैं उसमें हम अपने रेवेन्यू से आगे का काम चला सकते हैं। ओके, प्रोडक्शन प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं लग रहा है और इसमें कोई आपका कंट्रोल भी नहीं है कि आपके कोई पेटेंट हो या? सर, प्रोडक्शन प्रोसेस बताने में जितना आसान है वो करने में उतना मुश्किल। ये पूछ रहा हूँ कि इसको कॉपी भी कर सकता है कोई और? कोई भी इसको सीड प्रोडक्ट के रूप में बना के बेच सकता है। सर, रोस्टिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा कि अभी तक नॉट अ बैरियर टू एंट्री। ओके, अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है दूसरे के लिए आपने ब्रेक कर लिया तो वो भी क्रैक कर लेगा। वैसे परेशान होने की इतनी बात भी नहीं है, कॉफी भी 5-5 ब्रांड्स की होती है। ब्रांड की जो अपनी कैपेसिटी होती है, ट्रस्ट होता है, वो भी एक बैरियर टू एंट्री क्रिएट करता है। यू शुड थिंक अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड। आई कुड गाइड यू विद दैट बिकॉज मेरा उसमें नॉलेज है काफी। देन आई विल हेल्प यू विद द मशीनरी, द इनिशियल आपका जो एक्सपेंस है 50,000 का, and help you with the branding in terms of guidance. एक तो आपकी जो go to market strategy है, yes sir, कि हम कैसे, क्या हम retailer के पास जाएं या हम direct consumer के पास जाएं, यहाँ पे अच्छे सवाल हैं आपके दिमाग में। I can help you together with ma'am to get through that to the bottom of that. लेकिन इसमें से जो 30-35,000 का खर्चा है वो मेरे को लग रहा है कि अभी आपको चाहिए। I'll support you for that. 50,000 रुपये प्लस आपके मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाने के लिए, आपकी मेंटरिंग के लिए तानिया आपको मदद कर रही है। 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग में आपकी मदद करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये सपोर्ट यहाँ से मिल रही है। तो आई थिंक यू आर हैप्पी? यस सर। ग्रेट, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। मिस्टिक डेज को अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स की तरफ से मिले हैं 85,000 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टिक डेज। जो हमें मेंटरशिप मिली है वो 85,000 की वैल्यू को और बढ़ा देती है, क्योंकि नीरज सर हमें मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करवाएंगे, नॉलेज देंगे, और तान्या मैम हमें यूटिलाइज करना सिखाएंगी कि मशीनरी कैसे कम से कम यूज़ करते हुए अपना प्रोडक्शन करें। आई बिलीव देर इज अ चैलेंज अबाउट हाउ डू यू स्केल दिस बिजनेस बिकॉज देर इज नो बैरियर टू एंट्री रियली, बट वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स दे कैन बिल्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। व्हेनेवर यू थिंक अबाउट हेल्दी बेवरेजेस यू कुड थिंक अबाउट देयर ब्रांड, एंड दैट कोरिलेशन इफ कैन बी एस्टैब्लिश्ड could be a game changer. So congratulations, आपको आज इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, मेंटरिंग भी मिल गई, गाइडेंस भी लगातार मिलती रहेगी, तो सब खुश हैं? Yes, sir. मैं भी खुश हूँ इस बात से कि हमारे सामने, देश के सामने सबसे बड़ा जो सवाल है ना वो ये कि नौकरियाँ कहाँ से आएंगी। तो आज आप सब लोग मिलकर इस बात का जवाब दे रहे हो कि आप लोग नौकरियाँ क्रिएट करोगे। Yes, दिल्ली के स्कूलों में 3 लाख बच्चे जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनने जा रहे हैं। Yes, sir. So proud of you. Thank you very much. Very good. So much, sir. Very good.